नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। लोअरिंग डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट ट्रेनिंग बाय परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इज कॉल्ड। तो जब हम वर्कआउट के टाइम पर इंटेंसिटी को लो कर देते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के रूप में परफॉर्म करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन, वार्म डाउन या ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। इंटेंसिटी को धीमा करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करने को ही हम कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन या वार्म डाउन कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आइसोकाइनेटिक मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसके ऑप्शन है बीपी, कुबर्टेन, जैकबसन, प्लेटो या फिर जे जे पेरेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जे जे पेरेन। आइसोकाइनेटिक मेथड जो कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, इसको 1968 में जे जे पेरिन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, ट्रांजिशन पीरियड इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स एट। ट्रांजिशन पीरियड जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में होता है उसका एम क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सुपर कंपनसेशन, रिक्रिएशन या रिकवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिकवरी। ट्रांजिशनल पीरियड में जो प्लेयर होता है या जो खिलाड़ी होता है वो रिकवरी मोड में होता है। नेक्स्ट, स्प्रिंटिंग रिक्वायर्स एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ। तो स्प्रिंटिंग के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो इसके ऑप्शन है स्पीड, स्किल, कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक पावर। स्पीड, स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेटाबॉलिक पावर, स्पीड, स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन या फिर इंडोरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीड, स्किल, कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक पावर। अगर कोई स्प्रिंटर है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी उसके पास स्पीड, स्किल, कोऑर्डिनेशन और मेटाबॉलिक पावर होनी चाहिए। स्प्रिंटर्स की ये क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिफर्स टू जनरल मोटर स्किल एंड फिटनेस डेवलपमेंट। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कौन सा प्रिंसिपल जनरल मोटर स्किल और फिटनेस डेवलपमेंट को रिफर करता है? तो इसके ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जनरल मोटर स्किल और फिटनेस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है या उसकी तरफ रेफर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है? तो इसके ऑप्शन है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग या फिर इंक्लूसिव ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंक्लूसिव ट्रेनिंग। इंक्लूसिव ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प्स द बॉडी टू रिमूव लैक्टिक एसिड एंड रिकवर फ्रॉम हाई इंटेंसिटीज दैट मे बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट द एथलीट कंटिन्यू टू परफॉर्म एट हाई इंटेंसिटी वाइल रिकवरिंग। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन सी ट्रेनिंग है
जो बॉडी से लैक्टिक एसिड को रिमूव करने और बॉडी को रिकवर करने में एथलीट की मदद करती है कि वो कॉन्टिन्यूस परफॉर्म कर सके हाई इंटेंसिटी से किसी भी कंपटीशन में। तो इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग हेल्प करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो ये ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग या फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग एथलीट को हाई इंटेंसिटी से लगातार परफॉर्म करने के लिए तथा बॉडी से लैक्टिक एसिड और बॉडी को रिकवर करने के लिए ताकि वो परफॉर्मेंस देता रहे में हेल्प करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर हीट इज प्रोड्यूस एक्टिवेटिंग द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इट कॉजेज सिक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्वेट लीडिंग टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी का, इससे स्वेट बहुत मात्रा में निकलता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, हाइड्रेशन ड्यू टू सर्व एक्सरसाइज, फ्लूइड एक्युमुलेशन या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है हाइड्रेशन ड्यू टू सर्व एक्सरसाइज, यानी बॉडी को एक्सरसाइज के दौरान हाइड्रेट रखना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल और मैकेनिकल एजेंट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट आर नोन एज। तो ऐसे एजेंट्स जो फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल और मैकेनिकल रूप से हार्म कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेट्स, इन्वायरमेंटल एजेंट्स या फिर इन्वायरमेंटल इंक्लूसिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स इन्वायरमेंट को फिजिकली केमिकली बायोलॉजिकली और मैकेनिकली हार्म करते हैं। नेक्स्ट, द आउटसाइड मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी लाइक लिफ्टिंग द आर्म साइड वे इज नोन एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस आउटसाइड मूवमेंट को क्या कहते हैं जिसमें मूवमेंट बॉडी की मिड लाइन से बाहर की तरफ होता है, जैसे आर्म को साइडवेज बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जाना, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसके ऑप्शन है एडक्शन, एब्डक्शन, इन्वर्जन या फिर रिट्रैक्शन। तो हाथ को बॉडी से या मिड लाइन से दूर ले जाने को हम एब्डक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब हम बॉडी की मिड लाइन से किसी भी बॉडी पार्ट को दूर की तरफ ले जाते हैं जैसे हाथ या फिर पैर, तो इसको एब्डक्शन कहते हैं, और जब इसे वापस हम बॉडी की मिड लाइन की तरफ लाते हैं तो इसे एडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा एबडक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि यह सभी तक पहुँच सके। इसके अलावा आप हमें हमारी सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।